ऐसा समय आने वाला है जहां दिमागी रूप से आप जो भी करेंगे वो बेवकूफी भरा लगेगा या बेमतलब का। आजकल के जिन प्रोफेशंस, जिन पेशों को आप जानते हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने जॉब से बाहर हो जाएंगे अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते जिसे कमबख्त कोई मशीन नहीं कर सकती। आपको किसी ऐसी चीज के साथ तैयार होना होगा जो आपकी बुद्धि से परे की है। केवल तभी आप प्रासंगिक रहेंगे, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो आज की तकनीकी दुनिया में हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हावी हो रहे हैं। ये सारी अत्याधुनिक तकनीकें हैं, तो आपका इन तकनीकों पर क्या विचार है? इनका क्या असर पड़ेगा और इन तकनीकों का हमारे प्राचीन अभ्यास यानी योग और ध्यान से किस तरह सामना होगा? आपको यकीन है कि मैं हूं? क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये लोग मुझे दुनिया भर में हो रही हर तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलने के लिए मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि ना तो मैं इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूं, ना ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं। तो ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे पूछा, ये सेंट पीटर्सबर्ग में थी, मैंने पूछा आप लोग इन सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में मुझे क्यों बुलाते हैं, मैं नेचुरल इंटेलिजेंस हूं, आर्टिफिशियल नहीं। वो बोले प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब क्या करेंगे, हमारी नौकरियां जाने वाली हैं। ये सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स हैं, MIT में, हार्वर्ड में और इस तरह की जगहों में। ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगले 10 सालों में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जो हम जानते थे, जिसे अब तक पवित्र माना जाता था, अचानक से वो सब कुछ एक छोटी सी मशीन में आने वाला है। आपको ये समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ जानकारी को इकट्ठा करना, इसका विश्लेषण करना और फिर इसे जब भी जैसे भी आपको जरूरत पड़े सामने लाना। इस काम का इंसानी क्षमता के हिसाब से आने वाले दिनों में कोई मूल्य नहीं समझा जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी मशीन इस काम को किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर कर लेगी। वैसे भी वो गूगल वाली औरत आप सबसे ज्यादा स्मार्ट लगती है कि नहीं? वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट लगे ये ठीक है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आप लोग तो वो हम सभी से ज्यादा स्मार्ट लगती है या नहीं? आप कुछ भी पूछ लीजिए, पलक झपके बिना वो बता देगी। तो ऐसा समय आने वाला है जहां दिमागी रूप से आप जो भी करेंगे वो बेवकूफी भरा लगेगा या बेमतलब का। ऐसा मेरे साथ हुआ जब मेरा ख्याल है करीब 13 साल का था, 13 या 14 का, शायद 13 का। पहली बार जब मैंने फ्लैट बेड कैलकुलेटर देखा, ये पैनासोनिक का कैलकुलेटर, उस समय ये 100 या 110 रुपए में आता था, बहुत महंगा था। आज आप उससे ज्यादा की तो कॉफी पी लेते हैं। तो 110 रुपए में पैनासोनिक का, सोनी का 125 का था, तो सब लोग सस्ता वाला लेते थे, 110 में पैनासोनिक का। और उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने तो कभी खरीदा नहीं था, किसी और ने खरीदा और मुझे दिखाया। टुक 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 जवाब। तब पहला विचार जो मुझे आया वो ये कि मैं अपनी जिंदगी मैथ्स की क्लासों में क्यों बर्बाद कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे बस इसी की तो जरूरत है, मैथ्स की क्लासेस में जाने की नहीं। आप जो भी इससे पूछें, टुक टुक टुक, 100 रुपए की चीज आपको बता सकती है, तो ये 10 साल का टॉर्चर क्यों? ये अंकगणित और बीजगणित और हर तरह की चीजें क्यों? ये साइन थीटा कॉस थीटा भी कर सकता है या जो भी बकवास आप चाहें। मैंने तभी सोच लिया था हमको एक ऐसी बड़ी सी मशीन बनानी चाहिए जो ऐसा बकवास हल कर सके, ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। आखिरकार ये सपना सच हो रहा है। अगले 10 से 15 सालों में वो पढ़ाई लिखाई जिसे आप जानते हैं, आजकल जिन प्रोफेशंस, जिन पेशों को आप जानते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने इस तरह की मशीनें बना ली हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसी ढेर सारी चीजें जिन्हें सीखने में हम कई साल खर्च कर रहे हैं निरर्थक हो जाएंगे। वो ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं
कि एक ग्राहक अगर आकर बताए मुझे कैसा मकान चाहिए, मेरी कलात्मक समझ कैसी है, मेरी संस्कृति क्या है, मुझे क्या पसंद है, इसे कैसे होना चाहिए और मेरा बजट क्या है, एक मशीन घर का पूरा डिजाइन बना देगी, 10 अलग अलग चॉइसेस भी देगी जैसा आपको चाहिए, जिसमें पेंटिंग, दीवारों की हैंगिंग, फर्नीचर भी होगा और सारे काम के साथ। और अब वो कह रहे हैं कि अगले 5 से 7 साल में ऐसा बता रहे हैं कि वो घर तक प्रिंट कर देगी और बना देगी। तो आप लोग डिजाइन वालों की सोचिए। तो आप में से कई अपने जॉब से बाहर होंगे अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो कोई कमबख्त मशीन नहीं कर सकती। आप सभी को अभी से इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको कुछ ऐसा काम करना आना चाहिए जो आपकी बुद्धि से परे हो। Human being has many layers of intelligence. Intellect is only a small part of it. एक इंसान में बुद्धि के कई आयाम होते हैं। दिमागी बुद्धि इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से एक इंसान की तार्किक बुद्धि के विकास में लगा हुआ है और हम सोचते हैं कि जीने का ये एक सबसे भव्य तरीका है। नहीं, ये नहीं है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं अगर समय हो तो, पर योग सिस्टम में हम इंसानी बुद्धि को 16 हिस्सों में देखते हैं। अगर आप बुद्धि के दूसरे आयामों को खोजेंगे, केवल तभी आप प्रासंगिक रहेंगे। जब सब कुछ तार्किक है, तार्किक बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि इकट्ठा की हुई जानकारी के बिना काम नहीं कर सकती। हाँ या नहीं? हेलो, आपकी तार्किक बुद्धि एकत्रित की गई जानकारी के बिना काम नहीं करती, ऐसा ही है ना? अब यह सारा जानकारी को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और फिर उस पर काम करना, ये चीजें एक मशीन आपसे बेहतर कर लेंगी। एक इंसान से हमेशा गलतियां हो सकती हैं, जानकारी का हेरफेर हो सकता है, पर एक मशीन बिल्कुल स्पष्ट होती है, वो आसानी से यह सब कर लेगी। तो वो सब कुछ जो आप दिमाग के स्तर पर कर सकते हैं, उसका महत्व अगले 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा। तो आपको किसी ऐसी चीज के साथ तैयार होना होगा जो आपकी तार्किक बुद्धि से परे है। जब मैं कहता हूं तार्किक बुद्धि से परे, तो इसे देखने के कई तरीके हैं। मैं एक आसान सा उदाहरण लेता हूं। आसान इसलिए क्योंकि अगर हम और जटिल चीजें देखेंगे तो हमें बहुत सारी खोजबीन करनी पड़ेगी। आज हमारे पास उतना समय नहीं है। तो उदाहरण के लिए, आज आपने लंच में क्या खाया था? मैगी। आप मैगी पर हैं? क्या कोई इनके खाने पीने का ख्याल रखे भाई? ये मैगी पर हैं। ओके, भले ही आपने नूडल ही खाया है, नूडल इनकी तरह नहीं दिखता, इनकी तरह फील नहीं करता, कुछ नहीं, पर ये नूडल जो इन्होंने खाया था, वो 3 से 4 घंटों में ये मैगी नूडल एक इंसान बन गया है कि नहीं? हाँ, एक हिस्सा है, है ना? ये सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। So you are manufacturing. तो आप इतनी जटिल मशीन का निर्माण मैगी नूडल से कर रहे हैं। ये एक 3D प्रिंटर जैसा है। आपने इसमें मैगी नूडल डाला? नहीं, मैं मैगी नूडल से नहीं बनाऊ, ओके? मैं इससे बेहतर चीजें खाता हूं। बट यू पुट अ चपाती इनटू दिस, दिस बिकम्स अ ह्यूमन बॉडी। पर आपने इसमें चपाती डाली, वो एक इंसान का शरीर बन गई। ये इस धरती की सबसे उन्नत मशीन है। आप इसका निर्माण किससे कर रहे हैं? जो भी खाना आप खाते हैं और आप जो भी खा रहे हैं, वो वही मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं। हाँ या ना? और ये उठकर खड़ी है, क्या ये एक 3D प्रिंटर नहीं है? हेलो, क्या बुद्धि का ये आयाम आपके अंदर नहीं है? आपके दिमाग में भी नहीं, आपके पेट में है। हाँ, है। तो ये है। तो सिर्फ तभी अगर आप सचेतन बुद्धि के इस आयाम तक पहुंच गए, तो आप एक जादुई जीवन जिएंगे, है ना? तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि अगर सारे चाकरी वाले काम मशीनें करेंगी, दुनिया कितनी सुंदर होगी, मुझे तो इसका इंतजार है।